दोस्तों, हमें रजबुल हवा घर आप देख रहे हैं आर एच सोल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी पोर्टल rhsolution.in, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी, इसमें रिटेलर कूपन कैसे बाई कर सकती है। आज की वीडियो में यही दिखाएंगे लाइव प्रोसेस के कूपन कैसे बाई कर सकती है, कूपन इंस्टेंट कैसे मिल रही है उन लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम हमारे पोर्टल rhsolution.in ओपन करेंगे, उसके बाद देखें पार्टनर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। इसमें जो रिटेलर का यूजर आईडी और पासवर्ड मिलते हैं उसको हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद देखिए लॉगिन पर जब क्लिक करते हैं तो वेबसाइट लॉगिन होगी। लॉगिन होने के बाद इसमें बैलेंस है, अगर बैलेंस नहीं है तो पहले बैलेंस ऐड कर ले। तो बैलेंस ऐड हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जाएंगे वॉलेट मैनेज, या फिर इसमें देखिए वॉलेट लोड का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मोबाइल से कोई ओपन करती है तो ये ऑप्शन उसको नहीं मिल रही है, तो बार पर क्लिक करना पड़ती है। तो हम इसमें ऑप्शन मिल गया है तो इसमें क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही उसमें ऑप्शन पूछा जाएगा कितना बैलेंस वो लेना चाहती है, जितना चाहे वो ले सकते हैं। एडमिन पर क्लिक करते ही उसके सामने गेट पे ओपन हो जाएगी। इसी से अगर पेमेंट सक्सेसफुल होती है तो इंस्टेंट उसकी वॉलेट ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास तो वॉलेट है, तो इसी से हम कूपन परचेस कर सकते हैं। तो हम जाएंगे परचेस कूपन पर, यहाँ पर कूपन परचेस का भी ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, देखिए इसमें आईडी VLA आईडी जो है वही रहेगी, रिटेलर कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। कूपन टाइप पर फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक, फिजिकल कूपन ये होती है कि बाय पोस्ट पैन कार्ड घर भी आएगी और मेल पर भी आएगी। इलेक्ट्रॉनिक कूपन पर सिर्फ मेल पर आएगी, जिसको जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम फिजिकल कूपन चाहिए तो हम फिजिकल कूपन को सिलेक्ट करते हैं, कोई एंटिटी जितना चाहे वो सिलेक्ट कर सकती है। अमाउंट इस पर देखिए कूपन रेट जो रहेगी उसी के हिसाब से वो अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जब परचेस नाउ पर क्लिक करते हैं तो इंस्टेंट उसको कूपन मिल जाती है। ये तो हो गया है परचेस कूपन। उसके बाद आती है PSM मैनेजमेंट। इस ऑप्शन का मतलब क्या है, इसमें अप्लाई PSM का ऑप्शन दिया है तो सबसे पहले अप्लाई तो रहती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है UPI का पासवर्ड भूल जाती है। जब पासवर्ड भूल जाते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड एरर बताने लग जाती है, तब उसको रिसेट करने की ज़रूरत होती है। चाहे तो आप UPI PSM से भी फॉरगेट कर सकते हैं, या फिर हमारे पोर्टल से भी UPI PSM पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। अगर पासवर्ड रिसेट करती है तो वो यूजर आईडी और पासवर्ड सेम हो जाती है, मतलब जो यूजर आईडी रहेगी वही पासवर्ड हो जाएगी PSM पोर्टल के लिए, UPI PSM के लिए। इसका मतलब ये ध्यान दीजिए कि PSM पोर्टल की पासवर्ड आप रिसेट कर रहे हैं। अगर इसी हमारी पोर्टल का पासवर्ड आपको चेंजेस करवाना है तो जाना है माई अकाउंट पर, माई प्रोफाइल, इसमें देखिए पासवर्ड एंटर करने को कह रही है। जो पासवर्ड आप एंटर करेंगे वो पासवर्ड इसमें न्यू पासवर्ड और कॉन्फर्म पासवर्ड एंटर करने के बाद जब सबमिट करते हैं तो वो पासवर्ड हमारी पोर्टल के लिए बन जाएगी। दो अलग अलग पासवर्ड होती है, PSM पोर्टल का पासवर्ड अलग रहती है, हमारी पोर्टल rhsolution का पासवर्ड अलग रहती है। इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो वॉलेट लोड, परचेस कूपन और पासवर्ड रिसेट कैसे होती है वो आपको दिख गया है। अब आती है फोटो साइन प्रूफ टू। इसका मतलब ये होती है कि UPI में फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं होती है, जो रिसाइज की ज़रूरत होती है, वो यहाँ से आप रिसाइज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के जरिए। इसमें जो सॉफ्टवेयर ओपन होती है उसमें जो फोटो आपने प्रूफ कर रखा है उसको चूज फाइल में अपलोड करना है, और गेट फोटो पर क्लिक करके जो निकलती है वो अपलोड हो जाएगी। सिग्नेचर के भी सेम, सिग्नेचर की जगह पर सिग्नेचर अपलोड करना है और गेट सिग्नेचर करना है, जो सिग्नेचर निकलती है वो अपलोड हो जाएगी। इसी से PDF बनाने की भी ऑप्शन जो है स्टार्ट एकदम आई लव PDF पर क्लिक करते हैं, कन्वर्ट JPG टू PDF, मतलब JPG फाइल में स्कैन किया हुआ फाइल को आप सिलेक्ट करके PDF बना सकते हैं। इसी तरह वो रिटेलर हमारे वेबसाइट को कूपन भी कर सकती है और पासवर्ड रिसेट भी कर सकती है और फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज कर सकती है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए।